अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तज़ीन्स किचन। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करें, मसालेदार बूटी की रेसिपी, मैंने ईद स्पेशल में बनाई थी। अच्छा, बीफ मैंने लिया था 750 ग्राम, ठीक है। मैरिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 750 ग्राम मैंने बीफ लिया था, इस तरह की बूटियाँ कर ली थी, थोड़ी छोटी छोटी सी, सही है। आप लोग चाहें तो इसे छोटी कर सकते हैं, मैंने मीडियम साइज़ रखी थी बूटियाँ, ठीक है। इसमें मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसके अलावा मैं इसमें ड्राई मसाले भी ऐड करूँगी। दही मैंने इसमें डाला है 250 ग्राम, ठीक है। 250 ग्राम के मैं मैरिनेशन तैयार करी, मैंने इसको 1 आवर के लिए छोड़ दिया था मैरिनेट करके, ठीक है। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने काटी थी 3 से 4, ठीक है, 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4 मतलब, ठीक है। ये कट करके मैंने इसके अंदर डाल दी थी। इसके अलावा मैंने दही डाला इसके अंदर, दही मैंने डाला था तकरीबन 250 ग्राम के करीब, सही है। और इसमें मैंने फिर और ड्राई मसाले डाल दिए थे। ड्राई मसालों में मैंने जो जो डाला, लाल मिर्ची का पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून जो है वो चाट मसाला, नमक मैंने 2 टेबल स्पून डाला, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून डाला। ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ड्राई मसाले। उसको खूब अच्छी तरह से मैरिनेट करके मिक्स करके और उसको 1 आवर के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, 1 आवर के लिए मैंने छोड़ा था क्योंकि मैंने रात में ही इसको बना के रखा था और सुबह हमने नाश्ता ईद का जो है वो इससे किया था, सही है। मिर्चों का सालन भी हमारे पास ईद में बनता है ईद के दिन, तो उसकी भी रेसिपी मैं आपसे इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये मैरिनेट करके रख दिया था। अब मैंने कढ़ाई में जो है ऑयल लिया, 1 आवर हो चुका था ऑलमोस्ट, ठीक है, जब तक मैंने अपने दूसरे काम निपटा लिए थे, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है अब मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया, तकरीबन 1 कप लिया, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, सही है। अब ये मैरिनेशन मैंने इसके अंदर डाली थी। अच्छा, मैंने कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया, दही का जो पानी निकला और जो बीफ का पानी निकला उसी में ही वो गोश्त गल चुका था क्योंकि मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था। मैंने इसमें कोई कचरी पाउडर नहीं डाला या कच्चा पपीता नहीं डाला, आराम से ये उसी में ही पक गया था, ठीक है। मैंने मैरिनेशन इसके अंदर डाली और इसको मैंने छोड़ दिया था तकरीबन 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। ये देखिए, मैरिनेशन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल में और 15 मिनट्स के लिए मैंने छोड़ दिया था इसको ऑयल में डालने के बाद। ये देखें, सही है, कोई वाटर मैंने ऐड नहीं किया था इसके अंदर क्योंकि मैरिनेट ऑलरेडी था, ठीक है। 15 मिनट्स के लिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तो 15 मिनट्स के बाद फिर मैंने इसमें जो है प्याज ऐड की थी, 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने अंडे की तरह कट करके इसके अंदर ऐड कर दी थी, ठीक है। ये इसका पानी खुद ही रिलीज़ हुआ था, मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला था, सही है। ये प्याज मैंने ऐड कर दी थी उसमें, ये पानी प्याज ऐड कर दी थी इसके अंदर, और अब इसको मैं ढाँप के रख दूँगी, ठीक है। फिर ये हमारा अच्छी सी फाइनल लुक तैयार हो जाएगी। मसालेदार बूटियाँ तैयार हो गई थी। इसको हमने नाश्ते में सर्व किया था ईद के दिन, ठीक है, पराठों के साथ। ये देखिए, अब मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें लास्ट में दी थी। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।